शिमला जिले के रोहडू में शुरू की गई डिजिटल ग्रेडिंग और पैकिंग मशीन बागवानों के लिए मददगार साबित हो रही है। फ्रूटेक्स नाम की ये मशीन स्थानीय युवा सुभाष शाद्रू ने स्थापित की है। उन्होंने बताया कि इस मशीन में जहां आधुनिक तकनीक से कलर ग्रेडिंग व पैकिंग कर सेब को साथ साथ बेचकर बागवानों को समय पर पैसा मिल रहा है, वहीं 40 से अधिक स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिल गया है। पूरी कंप्यूटराइज है और इसमें जो हमारा जो एप्पल आता है मशीन में, उस एप्पल की एक बारी में 50 फोटो लिए जाते हैं और वो कलर सॉर्टिंग होती है। पूरा जैसे आपको माल चाहिए, आपने जैसे उसमें फिट करवा दिया तो सेम चीज़ वो आपको वही निकलेगी और दूसरा डिफरेंट इसमें कोई आने का इशू नहीं है। इससे बहुत लोगों के रोजगार की संभावना है बढ़ी। अभी हमारे पास 70 के करीब यहाँ वर्कर हैं और दूसरी मशीनों पर भी वर्कर हैं। 4 मशीनें ऐसी पूरी शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगी है, तो काफ़ी लोगों को इससे वर्क भी मिल रहा है और आगे लोडिंग अनलोडिंग के लिए उनको भी और वर्क मिल रहा है, तो काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बागवान अशोक सांस्टा ने कहा कि डिजिटल ग्रेडिंग पैकिंग मशीन पूर्णतः स्वदेशी है। ये मशीन फलों की 3 तरह से रंगों के आधार पर 1 घंटे में 2500 से 3000 पेटियों को ग्रेड व पैक करने की क्षमता रखती है। इस यूनिट में हर किस्म का सेब ग्रेड किया जाता है। इसमें हमें बहुत बेनिफिट है क्योंकि एक तो इसमें हमें कलर की जो है ना बहुत अच्छी जो सेब उसका कलर मिलना चाहिए पेटियों में, वो बहुत अच्छा है। मशीनें ऑटोमेटिक मशीनें हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि भी जो भी यहाँ लेबरर है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो सब वेल ट्रेंड है। बेरोजगारी बहुत है इस अपने इलाके में ना। अगर इस तरह के 4-5 काम करते हैं तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम जो है ना जी, मतलब हमारे युवक एडजस्ट हो सकते हैं।